Egon bir boy vermiştir şimdi. Yasemin basmıştır bodrumu. Kokusu geldi rüzgarın. Bir kelebek öptü boynumu. Sen şimdi gerdanını maviye, göğsünü bir yelkenliye, gönlünü ilk önüne çıkan yaz seferine bağlamışsındır. Aa, vurunca dibine sakız rakı sırrın, biraz da ağlamışsındır. Benim yerime de sev, bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savuran sevdayı. Benim yerime de sev, bekletme hayatı. Bu kadarına razıysan yaşa gitsin. Kaç kişi savuran sevdayı. कार्ताल बेटा, नाश्ता लग गया है। मैं आपकी मदद कर दूं? जरूरत नहीं, हम कर लेंगे। तुम सबके लिए चाय बना दो। क्यों कहा आपने उसे? देखो कुमरू, वो इस घर की मेहमान है, समझ गई ना तुम? वो मेरी मेहमान नहीं है माँ। इतना गुस्सा क्यों? सिर्फ पैकेट वाली बात तो नहीं हो सकती, जरूर कोई और बात है। बताओ मुझे ऐसी क्या बात? कोई है? भी बात नहीं है माँ। कोई बात तो जरूर है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। आ जाओ कार्ताल। कोई प्रॉब्लम है क्या कुमरू? तुम्हारा यहाँ होना। तुम जानती हो मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे परेशान करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द मेरे भाई को तुमसे छुटकारा मिल जाए। मैं ये लेकर जाती हूँ। सब ठीक है ना? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं चाय बनाती हूँ। सोचा नहीं था कभी मैं तुम्हें ऐसे भी देखूंगा। आगे आगे देखो क्या क्या होता है, बस थोड़ा सब्र रखो पतिदेव। शुक्रिया करताल। कोई बात नहीं। मैंने सुना है तुमने अपने डैड के केस के लिए अपील फाइल की है, क्या ये सच है? हाँ सच है। हो गया तो चलते हैं। बेटा तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। ऐसे जाओ मत, हम अभी बातें ही कर रहे हैं। अपने डैड का साथ दो तुम। पूछो कुमरू जो भी जानना चाहती हो, ताकि हम दोनों आराम से रहें। जब जवाब में दिलचस्पी हो तभी सवाल पूछती हूँ, लेकिन तुम्हारे किसी भी जवाब में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कुमरू बहुत हो गया, बस करो। नहीं नहीं,
इसे बोलने दो। मैं सुन रही हूँ। तुम्हारे डैड गुनहगार हैं डिला, और तुम उन्हें रिहा करवाने की कोशिश कर रही हो। हम बस अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है अपने डैड जैसे क्रिमिनल्स की तरफदारी करने के लिए तुम वकील बन गई हो, राइट? हर किसी को खुद को बचाने का हक होता है, तुम्हारे डैड के सिवाय। कुमरू, डीला इस घर की मेहमान है बेटा। शांत हो जाओ कुमरू, तुम भूल रही हो वो हमारी भाभी हैं। क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा ये कैसे अपने डैड को डिफेंड कर रही है? मैं किसी गलत को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। मैं अपने पापा को जानती हूँ और उन्होंने क्या किया ये भी, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम ये समझने की कोशिश नहीं कर रही कि वो आदमी मेरे पापा है। तुम्हारे डैड ने मेरे बाबा को फंसाया था, हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। तुम फिर भी उस आदमी को बचाना चाहती हो डिला? खुद को मेरे भाई की बीवी कैसे बोल सकती हो तुम? कुमरू बस करो, ठीक है? मैंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जो झूठ है। तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था कुमरू। काफी कड़वा बोल दिया तुमने। उसने भाई के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी। उसने भाई की जान बचाई सिर्फ इसलिए हम पुरानी बातें भूल जाएं। अब चैन मिल गया तुम्हें? हाँ, अभी कहाँ। डिला, डिला शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें भी कुछ बोलना है तो बोल दो, बोलो ना। शांत, तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? बोलो क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? मेरे पापा तुम्हारे दुश्मन है तो तुम चाहते हो कि मैं उन्हें अपना दुश्मन बना लूं, गोली मार दूं मैं उन्हें? फिलहाल शांत हो जाओ। मेरे पापा बुरे हैं इसलिए उन्हें जेल में सड़ने दो ताकि एक दिन वो वहीं पर अपना दम तोड़ दे। डिला अपना पारा नीचे रखो। मैं जानती हूँ मेरे पापा गुनहगार हैं, मुझे हर बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मेरे पापा हैं, भले ही वो बुरे हैं या फिर एक गुनहगार। तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या करते? क्या अपने पापा का साथ छोड़कर चले जाते? क्या उन्हें मरने के लिए यूं ही छोड़ देते? ऊपर वाला ना करे लेकिन कहीं कुमरू या करताल कोई बड़ा गुनाह कर दे तो क्या तुम उन्हें प्यार करना छोड़ दोगे? क्या लग पाते हैं तिला? मैं तुम्हें समझा ही क्यों रही हूँ। डिला, तुम्हें एक बात माननी होगी, कानून के मुताबिक तुम्हारे जो भी हक हैं तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन एक बात जान लो, रिफत बेलगिन कभी जेल से बाहर नहीं आएगा। मैंने उनका नाम काट दिया है, जानती हो ना तुम। जानती। मेरा और अली का नाम कब मिटाने वाले हो कुसगुट? अगर मैं कुछ ना करूं और मेरे पापा अपनी सजा को पूरा भी कर लें तो तुम रुक जाओगे क्या? या तब रुकोगे जब तुम हमसे हमारा सब कुछ छीन लोगे, हमारा घर, पैसा, वो सब जो हमारे पास है, तब गुस्सा खत्म होगा? अगर हम उस घर में जाएं और फिर से एक नई शुरुआत करें तो क्या तब खत्म होगा तुम्हारा ये इंतकाम और नफरत? ये खत्म नहीं होगा। क्या कीमत लगाओगे तुम, बोलो? मेरी जिंदगी के उन 20 सालों का मिस्टिला, हाँ? ये कोई तरीका नहीं है। भेड़िया बर्फ से निकल चुका है लेकिन ठंड का एहसास भूला नहीं, और ना ही उसने माफ किया। और चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, रिफत बेलगिन की मौत जेल में होगी जैसे मेरे डैड की हुई थी। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो, और तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगी? तुम्हारा मेरी बीवी होना मेरे अंदर के इंतकाम को कम नहीं कर सकता।
तुम एक बात भूल रहे हो, बस लोगों की नजरों में मैं तुम्हारी बीवी हूं। जो करना है करो, अपनी सारी ताकत आजमा लो कुसगुन, लेकिन मुझे रोक नहीं पाओगे कुसगुन, समझ गए? अपने दोस्तों के साथ अच्छे से खेलना, ठीक है? चलो जाओ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अब फिर से क्या हो गया? हेलो अली, तुमने मेरी गाड़ी ठीक होने गैराज नहीं भेजी थी? इसे किसे कहा था मैंने? क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ अली, सब ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। तुम्हारे चेहरे को देखकर तो नहीं लगता, किसी बात से तुम दुखी हो? तुम्हारे शेयर्स अली और शर्मिन को दिए इसलिए? पापा प्लीज। वो तो बस कुसगुन की वजह से सावधानी बरतने के लिए। कुसगुन ने तुम्हें दुखी किया है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आपने न्यूज सुनी थी पापा? बहराम शायद मर चुका है। सुनिए, हमें अब उस बहराम से कोई भी खतरा नहीं है। हमें जल्दी आपकी अपील का नतीजा पता चल जाएगा। आप सरकारी गवाह बन सकते हैं, बहराम के काले धंधों के बारे में सब बता सकते हैं। ऐसा किया तो आपकी सजा काफी कम हो जाएगी, आप सुन रहे हैं ना पापा? बहराम मर गया तो कोई और उसकी जगह आ जाएगा, और वो धोखा देने वाले को कभी जिंदा नहीं छोड़ते। खुद को बचाने के लिए तुम्हें खतरे में नहीं डालूंगा, इसलिए ये तरीका तो तुम भूल ही जाओ। कानून के दम पर तुम उन लोगों से नहीं लड़ सकती, जैसा वो कहते हैं वही करो, तभी अपने परिवार को सुरक्षित रख पाओगी। बोलो। गोली किसी का पता नहीं पूछती, इसलिए तुमसे ही पूछ लेता हूं कुसगुन। ये गोली तुम्हारे नाम लिखूं या करताल के? वैसे भी अंत में तुम दोनों ही मरने वाले हो, लेकिन मैं उलझन में हूं कि पहले किसकी जान लूं। तुम ही बता दो ना, तुम दोनों में पहले किसका नाम लिखूं इस गोली पर? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यकीन मानो, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी जान लेना था। तुम्हारे भाई के इसमें शामिल होने से मैं भी चौंक गया था। अगर तुमने कार्तल का बाल भी बाका किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बुरा। हो सके तो अपनी मौत को बुलावा मत दो। मुझे जवाब मिल गया, शुक्रिया तुम्हारा। जाओ काम को अंजाम दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस थोड़ा और पीछे आना है, बस थोड़ा और, रुक जाओ, हो गया, रुक जाओ। वेलकम। शुक्रिया।
मुझे लगा अली ने ठीक करवा दी, लेकिन वो तो काफी बिजी है, इंजन खराब हो गया है। कोई बात नहीं, सोके मैं ठीक कर दूंगा। क्या मैं बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सीधा जाकर लेफ्ट लेना है। इस तरह? हाँ हाँ, इस तरह। थैंक यू। कार्तल है वहाँ? उसे कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। तुमने देखा कौन थे? मैं उनके चेहरे नहीं देख पाई। कहाँ लेकर गए उसे? क्या बात कर रहे थे वो? तेओ, किसी तेओ की बात कर रहे थे, उसी के पास लेकर जा रहे हैं। आज से हमारे बीच की हर डील खत्म। तुम्हारे आदमी जिहान ने मेरे सबसे वफादार टीओ की जान ले ली। कोई प्रॉब्लम है कार्तल? ऐसी कोई बात नहीं है भाई, भूल जाओ उसे। इस गोली पर तुम्हारा नाम लिखूं या करताल का? कुछ तो करो, अपने भाई को ढूंढ निकालो। जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाओ। अब पुलिस के पास मत जाना, मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, ओके। मुझे कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें एक बढ़िया पिक्चर दिखाना चाहता हूँ डेला, जिसमें एक जाना माना हीरो है, कुसगुन जबेजी। कहना क्या चाहते हो बोरा? मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था, बस एक बार मेरी बात सुन लो। तुरंत मेरे घर आ जाओ। अगर कुसगुन सच में तुम्हारे लिए मायने रखता है तो मैं इंतजार करूंगा। बोरा, क्या है डेला? तुम आज बोरा से मिलने वाले हो? क्यों पूछ रही हो? उसने मुझे कॉल करके धमकी दी है। कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो, सब ठीक तो है ना? देखो कुसगुन, तुम जरा संभल कर रहना, वो जरूर कुछ ना कुछ करने वाला है। उस कमीने के कुछ करने से पहले मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। हुआ क्या है कुसगुन? कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हेलो, क्या कार्तल ने तियो की जान ली? बताओ, क्या कार्तल ने तियो को गोली मारी? अली, कार्तल बोरा के कब्जे में है, जवाब दो मुझे। हाँ, लेकिन बोरा ये बात नहीं जानता। मिस्टर अली, हमारे बीच जरूर कोई गद्दार है। मुझे बताओ इस वक्त वो कहाँ है? ये तो अब तुम मुझे बताओ अली। वो कार्ताल को तियो के पास ले जा रहे हैं। तियो को कहाँ दफनाया गया बताओ मुझे। पता नहीं, पर पता लगाता हूँ। तो जल्दी पता लगाओ। ये लीजिए।
कुछ हुआ है क्या? टीओ को कहां दफनाया गया है? मैं समझा नहीं। बोरा के आदमी ने टीओ को दफनाया है, अभी बताओ। मुझे कैसे पता होगा भाई? यहां तुमने करताल और मेरी बातें सुन ली थी और बोरा को सब बता दिया, वरना वो ये बात कभी नहीं जान पाता। जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलो, बोरा भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। बताओ कहां दफनाया गया है उसे? टीओ मेरा इकलौता दोस्त था, मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी था वो। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, सच कह रहा हूं। वो मुझे मारना चाहता था तो खुद को बचाते हुए मुझसे गोली चल गई। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, सच कह रहा हूं मैं। मुझे यकीन है तुम पर, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें मरना होगा। क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? देखो ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो। मैं उसे नहीं मारना चाहता था, वो गलती से मर गया है। आखिरी ख्वाहिश नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो ऐसा मत करो। मैं उसे जानबूझकर नहीं मारना चाहता था, मैं खुद को बचा रहा था और उसकी वजह से वो मारा क्यों? मैं भाई से बात करना चाहता हूं। मेरी आखिरी ख्वाहिश। ठीक है, कुसकुन को कॉल लगा कर दूंगा। हेलो, तुम्हारा भाई तुमसे बात करना चाहता है। कार्ताल, कार्ताल क्या तुम मुझे सुन सकते हो? ऐसा मत करो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। कार्ताल क्या तुम मुझे सुन सकते हो? छोड़ दो। कार्ताल, क्या मेरी आवाज आ रही है? कुसकुन भाई, बोलो मेरे छुटकू, बोलो। बहुत अंधेरा है। इतने बड़े हो गए फिर भी अंधेरे से डरते हो? मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। देखो डरो मत, ठीक है? करता है। तुम्हें डरना नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। यहां पर मत आओ। देखो तुम बात मत करो, मैं तुम्हारी बात आ रहा हूं। मुझे बस इतना बताओ तुम इस वक्त हो कहां? वो मुझे टीओ की कब्र के पास दफना रहे हैं। अगर आप यहां पर आओगे तो आप भी मारे जाओगे भाई। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं कर्तव्य, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कर्तव्य। मैं हजार मौतें मरूंगा पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। घबराना नहीं, मैं बस पहुंच रहा हूं। हिम्मत मत हारना कर्तव्य, समझ गए तुम? मैं आ रहा हूं कर्तव्य, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। पहुंच गई। तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं भी बस पहुंच ही रहा हूँ।
काम हो जाने पर फोटो खींच लेना और कुसगुन को वो फोटो भेज देना ताकि वो जान जाए कि उसका हश्र भी यही होगा। कार्ताल डरो मत, मैं आ गया, तुम्हारा भाई आ गया। कार्ताल कुछ नहीं होगा तुम्हें, सोचा नहीं था इतनी जल्दी आ जाओगी। क्या बात करनी है? कुसगुन के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो ना। सीधी बात करो, बताओ तुम आखिर चाहते क्या हो, और दोबारा कभी अपना चेहरा मत दिखाना। ऐसे नहीं, मुझसे इस तरह बात मत किया करो प्लीज। आज के बाद से हम दोनों एक दूसरे से और करीब होकर मिला करेंगे। कुसगुन अब हमारे बीच कभी नहीं आएगा। कार्ताल उठो, कार्ताल अपनी आंखें खोलो, कार्ताल मेरे भाई उठ जा, कार्ताल, नहीं 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 नहीं, कार्ताल तुम मर नहीं सकते मेरे भाई, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, कार्ताल, ऊपर वाले मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे भाई को बचा ले ऊपर वाले, कार्ताल, कार्ताल मेरी तरफ देखो, कार्ताल। ऐसे सपने देखना बंद करो। कुसगुन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे गुजरना होगा, जानते हो ना? तुम तो मेरे खिलाफ ही हो डिला, मेरे लिए कुछ भी नहीं बदला है। तुम जो भी सोच रहे हो मत करो, ये जानते हुए भी कि हमारे घर पर हमला तुमने करवाया था, मैंने भाई को और कुसगुन को रोक कर रखा। मैं कोई जंग नहीं चाहती थी और ना ही तुम ऐसा करो बोरा। जिला, कभी सोचा है तुमने कि मैं ग्लव्स क्यों पहनता हूं? जब मैं छोटा था मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे छुआ गया था, जिस इंसान पर मेरे डैड को बरसों से भरोसा था उसने मुझे मैं आ गया। अपनी आंखें खोलो कार्ताल, कार्ताल अपनी आंखें खोलो, कार्ताल मेरे भाई, कार्ताल, कार्ताल अपनी आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मेरे भाई कुछ नहीं हो सकता, कार्ताल, कार्ताल मेरी बात सुन, कार्ताल, कुसगुन भाई, मेरे झूठ को मेरे भाई, मैं आ गया कार्ताल, कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं। तुम सुनना भी नहीं चाहती ना। मुझे अब चलना चाहिए बोरा, छोड़ो। तुम ही अकेली एक ऐसी औरत हो जिसे मैं अपने हाथों से छुपाया था,
समझ गई मैं, अब मुझे जाने दो। बोरा छोड़ो मुझे, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं बहुत जोर से चिल्लाऊंगी। कोई हमारी आवाज नहीं सुनेगा डला, हम यहाँ बिल्कुल अकेले हैं। पागल मत बनो तुम ऐसे इंसान नहीं हो, मत करो। बताओ मैं कैसा हूं डला, हाँ कैसा इंसान हूं? कितने अच्छे से जानती हो तुम मुझे डला। बोरा प्लीज मुझे जाने दो, मत करो ऐसा प्लीज। तुमने मुझे मौका क्यों नहीं दिया? मैं चाहता तक नहीं है। जानती हूं मैं। तुम जानती हो तो फिर क्यों, क्यों डला तुमने मुझे एक मौका क्यों नहीं दिया? क्यों? बोरा देखो, पहले तुम शांत हो जाओ, ठीक है? हम इस बारे में आराम से बैठकर बात करेंगे। तुम्हारे दर्द की, तुम्हारे बीते कल की, तुम्हारे जख्मों की, हर चीज के बारे में, ठीक है? वादा करो मुझसे। वादा? मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो? मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, बस मुझे प्यास लगी है। अपना फोन दो मुझे। कोई बेवकूफी मत करना, मेरे आदमी बाहर ही खड़े हैं, तुम यहां से कहीं नहीं जा पाओगी। जानती हूं, कुदरत में फंस गई हूं, तुम्हारी मदद चाहिए। कहां हो तुम दिला, क्या हुआ है? मैं इस वक्त बोरा के घर पर हूं, उसने जबरदस्ती मुझे यहां रखा है, तुम्हें मुझे यहां से निकालना होगा। ठीक है, मैं कुछ लोगों को भेजती हूँ, तब तक तुम उसे उठाकर रखो। कुदरत प्लीज जल्दी कुछ करो। अटेंशन ऑल यूनिट्स, सैरव दागिस्तानी का घर जो मेनेस्की स्ट्रीट पर है, वहाँ गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी गई है, किसी ने अभी रिपोर्ट किया है। सारी यूनिट अभी के अभी लोकेशन पर पहुंचे। आई रिपीट, सारी यूनिट अभी के अभी लोकेशन पर पहुंचे। ठीक हो ना? हाँ। ये लो, गाड़ी पहाड़ पर है, तुरंत यहां से निकल जाओ। आपके बिना नहीं। कार्तन, जितना कह रहा हूँ उतना करो, गाड़ी लो और जाओ यहाँ से, मेरा पीछा मत करो। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, आप क्या करने वाले? मुझे जरूरी काम निपटाने, जाओ यहाँ से कार्तिक। लेकिन भाई, मैं दोबारा तुम्हें नहीं बोलूंगा, मेरी बात सुनो और जाओ यहाँ से। अपना ख्याल रखना भाई, ठीक है? मेरी चिंता मत करो तुम, अब जल्दी जाओ यहाँ से, जाओ जल्दी करो।
कुदरत कौन है डेला? मैंने पूछा कुदरत कौन है? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है। मैंने सब सुन लिया है डेला। मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे झूठ कहा। तुमने मुझे भेजा ताकि कॉल कर सको। बोरा, देखो कोई भी बेवकूफी मत करना तुम। फोन दो मुझे, ये क्या कर रहे हो? खैरियत चाहती हो तो वहीं खड़ी रहो। बोरा फोन दो मुझे। डेला, मैंने यूनिट्स भेज दी है वहां, वो बस पहुंचती ही होंगी। डेला, हेलो, अगर डेला का बाल भी बाका हुआ तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा बोरा दागिस्तानी। समझ गए तुम? तुम तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा बहादुर निकले डेला। ऐसी हालत में कितनी बहादुरी दिखाई है तुमने। छोड़ो मुझे। बहराम, और हम सबको पुलिस के हवाले करने के लिए उनसे हाथ मिला लिया तुमने डेला। तुम लोगों के साथ से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। तुम्हारी मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती बोरा। जानता है कि तुम पुलिस से मिली हुई हो? उनको मरने से पहले तुम्हारे धोखे का पता तो चलना ही चाहिए। तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। और तुम मुझे रोकोगी डेला? बताओ मुझे। बोरा छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, जाने दो। डेला हटो सामने से। इस घर के चारों ओर मेरे आदमी हैं। उन्होंने आवाज सुन ली होगी, वो यहां आते ही होंगे। उनके आने तक तुम जिंदा नहीं बचोगे। कुछ हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। डेला तुम बाहर जाओ। इसे मारकर अपने हाथ गंदे मत करो प्लीज। मुझे इसे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। कहां गए सब लोग? क्या हुआ, कहां गए तुम्हारे आदमी बोरा? हाँ कुसगुन, चलो यहां से चले। डेला जाओ यहां से। प्लीज मेरी बात सुनो। चली जाओ तुम। रुक जाओ एक मिनट जरा। अगर मुझे मार दिया तो डेला का राज कभी नहीं जान पाओगे। मुझे जिंदा रखने का तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। अपनी बकवास बंद करो। कुसगुन अपनी बंदूक नीचे करो। सुनो, अगर तुमने मुझे मार दिया
तो तुम्हें डिला के धोखे का पता कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं। तुम्हारी बीवी गद्दार है कसकन। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। तू तो गया कसकन छपे से ही। डिला तेरी कभी नहीं हो पाएगी। Mr. Foreman,